जल संकट की वजह से जाएगी केजरीवाल की कुर्सी। 14 जगहों पर बीजेपी का हल्ला बोल, फंसे केजरीवाल। बीजेपी पर आरोप लगाकर खुद ही घिर गई आतिशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ आतिशी को दिल्ली की जनता ने घेर लिया है तो दूसरी तरफ जगह जगह बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर आपको संकट में डाल दिया है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है। एक एक बूंद के लिए लोग तड़प रहे हैं, टैंकरों के आगे पीछे बाल्टियां लेकर दौड़ रहे हैं। पानी की किल्लत की इतनी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन जिस दिल्ली में ये हाल हो रहा है, उस दिल्ली की सरकार ने राम भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। सीएम साहब जेल में बैठे हैं, आधा काम तो उनकी वजह से अटका हुआ है और उनके मंत्री पानी की किल्लत पर राजनीति में बिजी हैं। आतिशी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ जाती हैं, बीजेपी पर आरोप लगाती हैं। अपनी कमियां छोड़ हरियाणा पर ठीकरा फोड़ने का काम चल रहा है। खैर, अब बीजेपी ने 14 अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटके लेकर हल्ला बोल दिया है। खाली मटके फोड़ कर प्रदर्शन किया गया है। आरोप लगाया गया है कि जो सरकार टैंकर माफियाओं पर एक्शन की एक वक्त पर बात करती थी, आज उस सरकार में जल बोर्ड घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए की घपलेबाजी कर ली गई। द्वारका की सोसाइटी से लगातार फोन आ रहे हैं, RWA एसोसिएशन मिलने के लिए आ रही हैं कि हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है और पानी के टैंकर भी 1400 रुपए 1500 रुपए में उनको मिल रहे हैं, सरकारी सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। तो हमने जब इस बात को ढूंढा कि भाई क्या कारण ऐसा है, तो हम पहले से जानते थे कि पानी की वेस्टेज होती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पानी लगातार पूरे फ्लो के साथ, जैसे कि वो एक आप कहिए कि प्रेशर के पानी की तरह बह रहा है और यहाँ पर लगातार पानी की वेस्टेज हो रही है। सीधा दिल्ली जल बोर्ड के पाइप यहाँ पर गले हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनसे पानी की वेस्टेज है। और यही बात हम लगातार उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार, बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। ना वो जो उनके STP पॉइंट है उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहां पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है और जो पानी पाइपों के जरिए आता है वेस्ट हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार पाइपलाइनों को ठीक करवाने के बजाय पानी के लिए दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ रही है। यही वजह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, फिर हाईकोर्ट ने आईना दिखा दिया और बची खुची हालत सहयोगी कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार की खराब कर दी है। अतिरिक्त पानी छोड़ने से साफ साफ मना कर दिया है। ऐसे में दिल्ली की जनता और बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो सरकार घोटाले में बिजी हो वो भला कैसे दिल्ली का विकास, दिल्ली के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे सकती है। सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है कि जल बोर्ड में ही घोटाला कर लिया गया, उसकी वजह से दिल्ली में विकास कार्य ठप पड़े हैं। जल बोर्ड घोटाले पर ईडी का दावा। दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया। ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आरोप है कि बाकी पैसों का गबन किया गया, इस तरह से फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। कथित तौर पर जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता ने NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ का ठेका दिया था। तो इस घोटाले में ईडी एक्शन ले रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। घोटाले की पोल खोलने की वजह सिर्फ एक थी, दिल्ली में पाइपों की मरम्मत के लिए जो काम होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि जल बोर्ड घोटाले में सारा पैसा खर्च हो गया और आधे से ज्यादा पाइपलाइनें टूटी हुई हैं, पानी की समस्या इस वजह से पड़ रही है। लेकिन दिल्ली सरकार सारा ठीकरा हरियाणा पर फोड़कर बचने की कोशिश में लगी है। अब हालात बता रहे हैं कि दिल्ली का जल संकट केजरीवाल की कुर्सी पर भारी पड़ने वाला है और अब बचने के लिए दिल्ली सरकार ने ठीकरा केंद्रीय जल मंत्री पर फोड़ना शुरू कर दिया है। आप नेता लेटर भेजकर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ जल संकट को दूर करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की भी है। ऐसे में बीजेपी ने आतिशी और आपके बाकी मंत्रियों की पोल खोलते हुए पलटवार किया है। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है, दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में, हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए वहां से भी जूते खाकर आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन इनकी
लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। दस साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्या हुआ उस वादे का? वो तो जेल में बैठ के बैठ गए आराम से, लेकिन दिल्ली को जनता के मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की चोरी जो आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका भ्रष्ट प्रशासन करता है, इस पूरी बर्बादी की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और जल संकट पर राजनीति उफान पर है, जिससे आप नेता बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब कब तक इस समस्या से निजात मिल पाती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेल से केजरीवाल ने आदेश भिजवाया है कि उनके मंत्री नेता जनता के बीच में जाएं और समस्याओं को हल करवाएं। खैर, दिल्ली के जल संकट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।